किस तरह से जो है भीड़ जुटाने के लिए जीविका दीदी हजारों की संख्या में यहाँ पर पहुँच रही है, और कोई हरा साड़ी और कोई लाल साड़ी और कोई भगवा साड़ी में इस तरह से जो है भीड़ को जुटाने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो काफिला आप देख रहे हैं, ये काफिला जो है आपको हेलीकॉप्टर से लेकर स्टेज तक जो प्रधानमंत्री को जो एस्कॉर्ट जाएगी, लगभग 12 से 13 गाड़ियों की ये एस्कॉर्ट है जो कि प्रधानमंत्री जी को जो है हेलीकॉप्टर से जो है कार से जो है स्टेज तक ले जाएगी। और बाहर का भी सकते हैं, कुछ बेकसूर जनता भी यहाँ पहुँची है मोदी जी के नाम पर, नाश्ता और पानी देकर बेचारे यहाँ खड़े हैं शेड में। देखिए कुछ अंदर महिलाएं ढुकी हुई है अंदर में, जो ये लोग सिर्फ रैली में प्रधानमंत्री को देखने आई है, लेकिन इनको यहाँ भीड़ लाकर बाहर खड़ा कर दिया गया और ये लोग जो है फालतू का जो है बाहर बैठे हुए हैं। एक छोटी सी बच्ची है मुशादपुर से आई है नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। किसको देखने के लिए आई है? नरेंद्र मोदी को। लगभग 10 जिले के जो है SP यहाँ पर मौजूद हैं और लगभग 10 जिले की जो है पुलिस यहाँ मौजूद है, और 4 बड़े हेलीकॉप्टर से जो है आज नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे, केंद्र मंत्री आएंगे, नीतीश कुमार जी आएंगे, और देख सकते हैं कि इस बार जो है हुंकार रखा जाएगा। मटियाने की धरती पर मटियाने विधानसभा के अंदर होने वाले इस कार्यक्रम में हम यशस्वी प्रधानमंत्री का यहाँ पे हम सब लोग स्वागत करते हैं। और ये भीड़ बता रही है आपको कि हमारे देश का बेगूसराय जिले के एकमात्र बच्चों के कपड़े का शोरूम बचपन, जहां मिलेगा बच्चों के एक से बढ़कर एक वैरायटीज के कपड़े एवं सभी ब्रांडेड कपड़े एक ही छत के नीचे, यानी कि बचपन में। तो आज ही आएं अपने बच्चों के साथ कपड़ों की खरीदारी के लिए हमारे बचपन शोरूम में, जिसका पता है डाक बंगला रोड बेगूसराय। नमस्कार, मेरा नाम है कुमार सन और आप देख रहे हैं FOB न्यूज। इस वक्त मैं उलाव हवाई अड्डा के पास हूँ और देख सकते हैं यहाँ से जो है VVIP गेट है और यहाँ से VIP लोगों की एंट्री है और लोग इसी गेट से घुस रहे हैं अंदर, और भीड़ देख सकते हैं स्थानीय लोगों का भीड़ भी देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोग जो है अब घुसना शुरू कर दिए हैं। 5 बजे प्रधानमंत्री मोदी जो है यहाँ से जनसभा करेंगे और देख सकते हैं 10 बजे से 11 बजे से लोगों की भीड़ लग रही है यहाँ पर आने के लिए। गठबंधन से लोग भी आए हैं, जो NDA गठबंधन से लोग हैं, और सभी लोग जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हर एक जिला से लोग लगभग आए हुए हैं, बेगूसराय से कई एक जिले से लोग आए हैं, और इस भीड़ को जुटाने के लिए लगभग 25,000 जो है के 20 से 25,000 की संख्या में जो है जीविका दीदी यहाँ पर पहुँची है, और लगभग 4 गेट है जिससे लोग एंट्री कर रहे हैं, और 4 हेलीकॉप्टर जो नए हैं उससे जो है प्रधानमंत्री आएंगे। और अभी जो है सड़कों पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो है काफिला जो हेलीकॉप्टर से जब प्रधानमंत्री उतरेंगे और स्टेज की तरफ जाएंगे तो ये जो काफिला है वो आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ देखिए बाहर का माहौल दिखा रहे हैं किस तरह से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ लोगों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से भीड़ जो है इकट्ठा हुई है नरेंद्र मोदी जी के लिए और क्या सब जनता कह रहे हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों का जो जमावड़ा है 50,000 के लगभग लोग जो है यहाँ पर शामिल हैं और सभी दल के लोग आए हैं। सब जगह गेट है, अब बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं अभी। लोग हर वर्ग के हर सब वर्ग से लोग आए हुए हैं, देख सकते हैं तमाम लोग हैं, जीविका दीदी सब है, देख सकते हैं हरे साड़ी में जो है सब जीविका दीदी है जो भीड़ का हिस्सा बन रही है। और मुझे लगता है कि जब तक नरेंद्र मोदी आएंगे तब तक में जो है लोग निकल जाएंगे, क्योंकि इतना देर तक जो है यहाँ पर लोग रुकेंगे नहीं। जा रहे हैं हनुमान जी? ये जा रहे हैं हम अपने गाँवों से लेकर हनुमान जी का रूप बना करके लेकर आए हैं। हम बीरपुर प्रखंड के जगदर गांव से आए हैं। ना घुसेगा तो घुसने देगा? एकदम घुसने दे, हनुमान जी को कोई रोका है? अच्छा। कहीं पास मांग रहा है अंदर? कोई नहीं रोकेंगे इनको, जाने देंगे, इनके लिए फ्री है। फ्री है और कोई दिक्कत, हनुमान जी कहीं भी जा सकते हैं, इनको अभी मंच पर भी ले जा सकते हैं, मोदी जी के पास भी ले जा सकते हैं। ठीक है, देखते हैं, जाइए VIP पास से गेट से हनुमान जी घुस रहे हैं, आप देख सकते हैं। एक छोटी सी बच्ची है मुशादपुर से आई है नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। किसको देखने के लिए आई है? नरेंद्र मोदी को। क्या नाम हुआ तुम्हारा? अंबिका रानी। मोदी जी क्या है? नरेंद्र मोदी। उनको क्या देखने के लिए आई हो? देख सकते हैं अपने गार्जियन के साथ, ये छोटी सी बच्ची है, देख सकते हैं मटिहानी के विधायक भी यहाँ पर मौजूद हैं, और देखिए किस तरह से VIP गेट से नहीं, इन लोगों के एक गेट एक नंबर रेट है। देख सकते हैं मटिहानी के विधायक जी भी है, राजकुमार जी आज रैली में जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मटिहानी की धरती पर मटिहानी विधानसभा के अंदर होने वाले इस कार्यक्रम में हम यशस्वी प्रधानमंत्री का यहाँ पे हम सब लोग स्वागत करते हैं। और ये भीड़ बता रही है आपको कि हमारे देश का
और भी अधिक कल्याण होने जा रहा है। कितने की संख्या में आप आए हैं? असंख्य लोग हैं, असंख्य संख्या की गिनती आप यहाँ पे मत। हमारे साथ भी असंख्य लोग हैं। लकवा, मिर्गी, याहो, पागलपन, मांसपेशियां, नसों या भूलने की बीमारियां, तो आज ही आए जिले के एकमात्र डीएम न्यूरोलॉजी डॉक्टर भवेश कुमार के पास, जहां हो मस्तिष्क, रीढ़ एवं नस रोग का बेहतर इलाज। हमारा पता है माँ कमख्या न्यूरो सुपर स्पेशलिस्ट क्लिनिक, महिला कॉलेज के पास, डाक बंगला रोड, बेगूसराय। राकेश सिन्हा जी भी यहाँ पर आए हैं, देख सकते हैं यहाँ पर जा रहे हैं भारी संख्या में और ये ला रहे हैं। और देखिये राकेश सिन्हा जी भी है यहाँ पर, लोगों के संग साथ जो है वो जा रहे हैं। सब लोगों को गेट नंबर एक से जो है मंत्री विधायक जो है गेट नंबर एक से जाएंगे, और वीआईपी लोगों का गेट नंबर टू है, वहाँ से लोग जाएंगे। जेडीयू के तमाम कार्यकर्ता हैं, क्या कहना चाहेंगे बोलिए। आज मोदी जी का कार्यक्रम बेगूसराय में है। अच्छा। और नीतीश जी भी आ रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री। अच्छा। तो हम सभी जेडीयू कार्यकर्ता पूरी भागीदारी ले रहे इस मीटिंग में। क्या सब देखने को मिलेगा? भीड़ दिख रही है? भीड़ तो है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है तो भीड़ तो है। नीतीश कुमार के नाम पर जीविका दीदी और बैठे हैं 20-25 हज़ार लोगों को। हाँ, नीतीश कुमार का दिन है, जीविका दीदी का, इतना भीड़ तो दिख रहे हैं। भीड़ दिखाने के लिए जीविका दीदी को तो लाए हैं आप लोग? भीड़ दिखाने के लिए नीतीश कुमार ने काम किया उनके लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों से, उनके किए हुए कामों पर प्रधानमंत्री जी के स्वागत करने के लिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सभी लोग बेगूसराय पहुंच रहे हैं। और किस तरह से बेगूसराय लोकसभा सीट जो है भाजपा की कही जाती है, एनडीए की कही जाती है, लेकिन इस बार आसान नहीं होगा जीतना, क्योंकि इस बार बेगूसराय की जनता जो है अपना नेता स्थानीय खोजना चाहती है, बाहर के नेताओं को जो है यहाँ देखना नहीं चाहती है। तो इससे ये भी पता चलेगा, एक बड़ा चैलेंज भी है बीजेपी के लिए कि अगला कैंडिडेट कौन होगा, और गिरिराज सिंह रहेंगे या फिर कोई नया कैंडिडेट आएगा, क्योंकि बिहार बेगूसराय की जनता जो है इस बार मन बना लिया है कि कोई अपना बेगूसराय के जनता के बीच से कोई कैंडिडेट रहे, यानी कि बेगूसराय से कोई कैंडिडेट रहे, चाहे बीजेपी का हो या कोई भी पार्टी का हो, हम उनको चुनाव जिताने का काम करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से वीआईपी गेट के बाहर जो भीड़ लगी हुई है, वीआईपी गेट पर देख सकते हैं किस तरह से भीड़ यहाँ पर लगी हुई है, लोगों को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है।